चिल्ड्रेन, आज आप लोगों का इंग्लिश का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोग आज अपनी कोर्स बुक में पढ़ेंगे, है ना। अल्फ़ाबेट फेयर इंग्लिश राइटिंग कैपिटल लेटर्स, ये आप लोगों का कौन बुक है, कोर्स बुक। इसको तो आप लोग पहचान ही लिए हैं। तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो अभी तक आप लोगों ने जी तक पढ़ा था, पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19 में जी तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज आप पढ़ेंगे लेटर एच, कैपिटल लेटर एच। एच फोर क्या होता है, एच फोर हैन, हैन मीन्स मुर्गी। एच फोर हैन, हैन मीन्स मुर्गी। अब यहाँ पर ये है पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21, है ना। 21 में एच को आप लोगों को खुद से बनाना है, एक डॉट दिया हुआ है सिर्फ। और पेज नंबर 20 में पूरा डॉट दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को एच बनाना है डॉट को मिला के। तो चलिए एच को बनाना सीखते हैं पहले हम लोग। देखिए यहाँ पर एच को बनाने के लिए, एच को बनाने के लिए पहला अप टू डाउन एक स्टैंडिंग लाइंस लेते हैं, है ना। फिर दूसरा भी एक अप टू डाउन स्टैंडिंग लाइंस लेंगे, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन से एच को मिला देंगे स्टैंडिंग लाइंस के साथ, है ना। दोनों स्टैंडिंग लाइन को स्लीपिंग लाइन से जोड़ देंगे तो बन गया एच। तो ये देखिए क्या है, लर्न टू मेक लेटर्स, मतलब लेटर्स को कैसे बनाना है उसको पढ़ना है। तो एक स्टैंडिंग लाइंस बोले थे, वन टू अप टू डाउन लेना है। दूसरा स्टेप में भी अप टू डाउन दो स्टैंडिंग लाइंस खींच लेंगे। तीसरा स्टेप में भी दो स्टैंडिंग लाइंस खींचेंगे अप टू डाउन, है ना। उसके बाद एक स्लिपिंग लाइन से दोनों स्टैंडिंग लाइन को मिला देंगे, ये क्या बन गया एच। ये कैपिटल लेटर वाली एच है, ये कैपिटल लेटर वाली एच है, है ना। उसी तरह यहाँ दिया हुआ, ट्रेस द लेटर्स ऑन द डॉटेड लाइन, लेटर को ट्रेस करके डॉटेड लाइन को मिलाना है। तो ये देखिए अप टू डाउन दो स्टैंडिंग लाइंस मैंने खींचा, इसको एक स्लिपिंग लाइन से मिला दिया। अप टू डाउन दो स्टैंडिंग लाइंस खींचा, एक स्लिपिंग लाइन से जोड़ दिया। इसके पहले भी मैंने बताया था, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन एंड कर्व लाइन, इस सब लाइंस के जरिए आप लोग इंग्लिश का सारा अल्फ़ाबेट लेटर बना सकते हैं। इसलिए लाइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ डॉट को मैं मिला रही हूँ, तो ये क्या बन रहा है एच, क्या बन रहा है ये एच। कौन एच है, एच है ये कैपिटल लेटर्स वाली एच। इस तरह पेज नंबर 20 में आप लोग इस डॉट को मिला करके इस पेज नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं एच। आप पेज नंबर यहाँ देखिए 21 है, यहाँ 21 है ना, पेज नंबर 21 में आप लोगों को एच स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द डॉट, है ना। डॉट को मिलाना है तो यहाँ सिर्फ एक ही बॉक्स में डॉट दिया हुआ है, जिसमें आप लोग एच बनाएंगे। दूसरा बॉक्स में सिर्फ एक डॉट दे दे के रखा गया है। इस डॉट से हम एक स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस खींचेंगे ऐसे अप टू डाउन, खींच लिया मैंने, अब एक स्लिपिंग लाइन से जोड़ दिया। फिर दूसरे बॉक्स में भी वही करना है, अप टू डाउन दो स्टैंडिंग लाइंस खींचेंगे, एक स्लिपिंग लाइन से दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से सभी बॉक्स में एच बनाना है हम लोगों को, है ना। इस ढंग से एच बन गया ना। तो इस तरह से आप लोग पेज नंबर 21 में एच बनाएंगे, है ना। तो ये आज आप लोगों का क्लास वर्क था। अब यहाँ देखिए क्या है, सर्किल एच इन द गिवन वर्ड्स, है ना। एच को सर्किल करना है, ये जो वर्ड्स दिया हुआ है इसमें सिर्फ एच लेटर्स को सर्किल करना है, ओनली एच लेटर को। तो यहाँ देखिए एच को सर्किल किया हुआ है, है ना। हट है लिखा हुआ, हट मीन्स झोपड़ी होता है, इसमें एच को सर्किल किया गया है। यहाँ एच से लिखा गया हॉकी, हॉकी खेल है, इंडियन गेम है हॉकी। इसको हम लोग यहाँ पर हॉकी को एच हॉकी का एच हम लोग इस ढंग से सर्किल कर देंगे। यहाँ है एच फोर हैट, हैट मीन्स टोपी, हाँ एच फोर हैट, हैट मीन्स टोपी, इस तरह से टोपी एच को मैंने सर्किल किया। यहाँ एच फोर है हेलमेट, हेलमेट जो मोटरसाइकिल पर आपके भैया पापा अंकल या मामा जो भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे घर में, वो लोग हेलमेट ज़रूर पहनते होंगे, तो वही यहाँ पर हेलमेट है ना। तो
एच फोर हेलमेट, हेलमेट मीन्स हेलमेट, है ना। तो देखिए आज हम लोगों ने सर्किल एच इन द गिवन वर्ड्स में हम लोग सिर्फ एच को सर्किल किए। पहला वर्ड था हट, दूसरा वर्ड था हॉकी, हॉकी हम लोगों का राष्ट्रीय गेम भी है ना, राष्ट्रीय खेल है हम लोगों का हॉकी, मतलब एच फोर हैट, हैट मीन्स टोपी, एच फोर हेलमेट, हेलमेट मीन्स हेलमेट, इस समय हम लोगों ने एच को सर्किल किया। यहाँ देखिए इसी पेज नंबर को आप लोगों को बनाना है, पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21 में आप लोगों को इंग्लिश का कैपिटल लेटर एच बनाना है। ओके बच्चों, ये आप लोगों का अल्फ़ाबेट फेयर इंग्लिश राइटिंग कैपिटल लेटर्स वाली कोर्स बुक में है, पेज नंबर 20 एंड 21। ओके बच्चों, बाय बाय।